परमात्मा ने हमें जो शक्तियां सृष्टि के प्रारंभ में दी थी, वो समस्त शक्तियां पुनः राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं। इसका आधार राजयोग है। यह जागृत आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सुंदर, सहज, सूक्ष्म और शक्तिशाली संबंध है। राजयोग के माध्यम से हम पाप कर्म करने से बच जाते हैं। तो आइए अब इस रूहानी यात्रा अर्थात ईश्वरीय याद की यात्रा का आनंद लें। सत्य और पवित्र ज्ञान की अनुभूति ही योग है। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, तथा मुझ आत्मा का पिता भी मुझ जैसा ही है, परंतु वो परम और अनंत है। आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक संबंध ही सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं को शांति, प्रेम और प्रसन्नता के सागर में डूबा हुआ महसूस करती है। योग शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगी, परंतु नहीं। योग का सीधा सा अर्थ याद है। आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, ये ही योग है। यदि हर मनुष्य अपने अंदर गहराई से झांक कर देखे, तो वो अनुभव करेगा कि उसके अंदर अपने वास्तविक घर की तथा ईश्वरीय गहन शांति के चिन्ह विद्यमान है। योग का एक अर्थ होता है उस परम अनुभूति को याद करना, जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी दुनिया में सिर्फ आत्म रूप में थे, तो हम कैसा अनुभव करते थे। उस अनुभूति को इस देह में होते भी पुनः अनुभव करना, इन सभी गहरे अनुभवों का आधार ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ, जो हमें इस दुनिया की हदों से पार ले जाता है। सुख और शांति हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे प्राप्त करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राजयोग के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक अति सरल प्रक्रिया है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है। सभी इच्छुक भाई बहनों को ये सेवा केंद्र निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम प्रदान करता है।